नमस्कार, दिल्ली वॉइस के खास शो राष्ट्र की आवाज में मैं सामिया जमाल आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा मुद्दा है सियाचिन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। इसकी गहराई तकरीबन 1000 फीट है, ये कोई 75 किलोमीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ान है वो 4.5 किलोमीटर की है। ऐसा भी कहा जाता है कि सी लेवल से इसकी हाइट जो है वो 6000 मीटर से भी ज़्यादा की है। लेकिन आज हम सियाचिन मुद्दे को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए, कई सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने एक्स रॉ ऑफिसर मिस्टर एनके सूद को बुलाया क्यों है? आइए इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं और अपने आप को एजुकेट करने की एक कोशिश करते हैं। सूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के रेफरेंसेस लेती हूँ। एक वक्त था जब आई के गुजराल ये कह रहे थे कि भाई सियाचिन को पाकिस्तान को दे दिया जाए। अब मतलब दिस इज़ आयरनी, आप कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंस है, हमारे ही प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो। भाई देखिए, गुजराल साहब जब आए, गुजराल साहब ने तो कोई ऐसे काम किए जो कि देश को शर्मिंदा करने वाले बात काम है। वो अप्रैल 1997 से लेके मार्च 1998 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उनको कोई पार्टियों की सपोर्ट थी बस, लेकिन उनके पास कोई अपनी सपोर्ट नहीं थी। उन्होंने जाकर के कहा कि ये सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो। उस टाइम वीपी मलिक होते थे हमारे आर्मी चीफ, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया कि जब तक हमको कोई ऐसी गारंटी नहीं होगी आकर के जिस पे इंटरनेशनल की स्टैंप हो आके कि कोई इसको कब्जा नहीं करेगा, हम सियाचिन को नहीं छोड़ सकते। और वो गारंटी उनको नहीं मिली। जब गुजराल साहब ने उस पर जोर डाला तो वो थोड़ा सा जाकर के और भी आकर के ऑफेंसिव हो गए आकर के, उन्होंने इसको पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया और अल्टीमेटली गुजराल साहब की गवर्नमेंट गिर गई। थैंक्स जो प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ था हमारी आर्मी पे, हमारी कंट्री पे, जो हमारी कंट्री का सत्यानाश होना था बच गया। अब गुजराल साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, आप कहते हैं कि जैसे उन्होंने उनके स्टेप्स देख लीजिएगा, उन्होंने कह दिया हमारे रॉ को कि आप जो है ना अपने सारे ऑपरेशंस पाकिस्तान के खिलाफ बंद कर दें जो हमने पिछले 20-25-30 साल से बना के रखे थे। बड़ा नुकसान हुआ। आईबी को कह दिया कि आप पाकिस्तान एम्बेसी वालों पर वॉचिंग रखेंगे। उनकी सारी इलीगल एक्टिविटीज चलती रही यहाँ पे, ओपनली करते रहे क्योंकि हमारी तो इंटेलिजेंस टोटली गवर्नमेंट के अंडर है। उसके बाद कारगिल हुआ, वो इसी के वजह से थी जो गुजराल साहब ने किया। गुजराल साहब पे एक बार इसी पीरियड में 5 टेररिस्ट आए थे पंजाब से उनको मारने के लिए। तो एक बार तो कुछ रा के ऑफिसर्स ने ये भी सोचा कि इनको इन्फॉर्मेशन ना दे, लेकिन वो कंट्री के इंटरेस्ट की वजह से उन टेररिस्टों को पकड़वा करके और गुजराल साहब की जान बचाई। तब उनको लगा कि नहीं, मुझे इनकी इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। तो जब ऐसे ऐसे लोग देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो देश का सत्यानाश होना तो लिखा ही है।